नोटबंदी पे लगातार संसद में हंगामा जारी है, इस मसले पर हम बातचीत करते हैं। सर, देखा जैसे संसद में लगातार हंगामा जारी है और बुधवार तक स्थगित कर दी गई है सत्र को, क्या लगता है कि आखिर विपक्ष इस तरीके से क्यों हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि विपक्ष को समझ में आ रहा है कि उनकी जमीन खसक रही है और इसलिए वो प्रजातांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रहे। लोकसभा बहस करने का स्थान है, हंगामा करने का स्थान नहीं। तो वो वहाँ पर बहस करें, वहाँ बहस भी नहीं कर रहे हैं, बाहर आकर हंगामा कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष क्या चाहता है। और दूसरी बात ये भी है कि विपक्ष के पास कोई एक नेता भी नहीं है। अभी दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी को कोई नेता मानता नहीं है, कोई भी विपक्ष में नेता नहीं है, सब आपस में भानमती के कुनबे की तरह काम कर रहे हैं और इसलिए विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि अगला क्या निर्णय लेना चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि अगर उन्हें नोटबंदी पर उन्होंने बोला तो भूकंप आ जाएगा। अरे, उनके बोलने से कागज़ का पन्ना तो हिलता नहीं, भूकंप क्या आएगा। तो बाकी जिस तरीके से नोटबंदी पे इनका कहना था कि नोटबंदी को लेकर सारी पार्टी की राय जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन हंगामा क्यों किया जा रहा है यह समझ से बाहर है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ आरती सिंह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।